हल्द्वानी रामनगर देहरादून स्टेट हाईवे को 10 दिन के भीतर ठीक करने के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर कार्य करने में जुटा हुआ है। बीते दिनों भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर होने से पुल के आसपास का हिस्सा बह गया था, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। फिलहाल अन्य वैकल्पिक रास्तों से हल्द्वानी से रामनगर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि तेजी के साथ काम किया जा रहा है। उम्मीद जताई गई है कि 12 से 13 अगस्त के बीच में रास्ता खोल दिया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमने काम जो पहले ब्रिज का काम है तेजी से चल रहा है, इस समय दिन रात उस पर हमारी टीम काम कर रही है। हमारा वैसे टारगेट तो है कि हम 13 तारीख तक इसको पब्लिक के लिए डिलीवर कर दें और यातायात को हम अपने वैली ब्रिज के थ्रू सुचारू करना। अभी हमने जो उसमें चार पेडस्टल थे कंक्रीट के आरसीसी के, वो कास्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो वैली ब्रिज का इरेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है। हमारी रात को भी टीम लग रही है और लगातार काम कर रहे हैं।